104 सीटों पर बीजेपी आगे है जबकि 116 पर कांग्रेस पहुंच चुकी है, यानी पल पल टैली की तस्वीर बदल रही है। और ये रुझान अगर रहते हैं तो कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है, अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं। जो आलोक जी बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की, आपने जिस छत्तीसगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां तो आपको 66 मिले, तो ये ज्यादा मायना नहीं हो पा रहे। देखिए मैं बार बार कहता हूँ पंजाब में आप फिर बदल गई टैली, 115 पर आ गई कांग्रेस 116 से। इलेक्शन की कार्यप्रणाली में खामियां हैं कि नहीं? खामियां हर सवाल ये है असली, और इलेक्शन कमीशन की अगर कार्यप्रणाली में खामियां हैं तो उसको उजागर करना जरूरी है। आलोक जी, इलेक्शन ये लंबा प्रोसेस है, खामियां लगातार चलती आ रही है, जब से देश आजाद हो गया तब से आज तक लगातार इलेक्शन कमीशन अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, और ये इंप्रूवमेंट हो रही है। चलिए, आपने जो कुछ सवाल है, कुछ सवाल वो खड़े कर रहे हैं, इसका भी संज्ञान लेगा, ठीक है, इसका भी काम करेगा। गिरिजा शंकर साहब, 115 पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है, 105 पर कितना और इंतजार, आपका तजुर्बा क्या कहता है, कितने इंतजार के बाद हम ये कह सकेंगे कि अब इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा? नहीं, मुझे तो लगता है जब तक ये बड़ा गैप दोनों के बीच में नहीं आ जाता तब तक हम ये मान के चलेंगे कि कहीं ना कहीं बड़े गैप को आप कितने नंबर पे मानते हैं? कम से कम 20-25 सीटों का फासला यदि हो जाता है तब हम मानेंगे कि एस्टेब्लिश हो गया है ये लीड। लेकिन अभी जो ट्रेंड है आप देखेंगे सुबह से लेकर अब तक के दो दो एक एक सीट के का अंतर हर 5-10 मिनट में हो रहा है, तो ऐसे में बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये ऊंट करवट बैठेगा, और शायद है कि लेट नाइट तक ये चीजें क्लियर ना हो, जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होंगे तब भी ये बदलाव की गुंजाइश बनी रहेगी। आप राजस्थान देखिए, वहां पर 84-85 तक बीजेपी पहुंच गई थी, आ गई 70 के नीचे आ गई, तो इस तरह से जो परिवर्तन यानी अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा मध्य प्रदेश में, और वहां जो अंतर है लगभग बदल रही है, 32 लगातार में उतार चढ़ाव हो रहा है, और पल पल की अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। राजस्थान में भी बड़ा बदलाव दिख रहा है, बीजेपी सिर्फ 69 सीटों पर और 102 पर कांग्रेस लीड कर रही है, यानी राजस्थान में तो क्लियर मैंडेट नजर आ रहा है, और कांग्रेस मध्य प्रदेश में बहुमत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन पल पल में तस्वीर वहां की बदल रही है।